दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से विधानसभा में अपना बहुमत दिखाने जा रही है। वहीं इस प्रस्ताव पर शनिवार को सदन के अंदर चर्चा की जाएगी। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। शुक्रवार को दोपहर 4:30 पर सीएम केजरीवाल ने सदन में बोलना शुरू किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि सदन में एक बार फिर से वो अपनी पार्टी का बहुमत साबित करेंगे। और केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के साथ विधायकों को भी संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि उन विधायकों के जरिए सरकार गिराने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है, जो कभी पूरा नहीं होगी। चुनाव नहीं जीत सकते तो किसी भी तरह से ये इनके इन प्रकार इन सरकार गिरा के और सरकार बना लो यहाँ पे तो। लेकिन ये भी इनका ऊपर वाले की दया, हमारे ऊपर जनता का विश्वास है, ये प्रयास इनका सफल नहीं रहा। तो ये देखने के लिए और जनता को दिखाने के लिए कि हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे एमएलए आज भी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करता है। केजरीवाल ने आगे कहा कि दूसरे प्रदेशों में ये सभी ने देखा है कि किस तरीके से सरकार को गिराया जा रहा है, ठीक वही कोशिश बीजेपी दिल्ली में भी करना चाह रही है, जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी कभी भी सरकार नहीं बन सकती, यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने आगे कहा, लेकिन बीजेपी का एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ, उनकी पार्टी का एक भी विधायक नहीं टूटा। आगे बताया जी, हमने तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको मना कर दिया। फिर हमने एक एक एमएलए से बात करके फोन करके संपर्क किया तो पता चला कि 21 तो नहीं, 7 एमएलए को इन्होंने संपर्क किया था बीजेपी वालों ने। तो पिछले इतने सालों में एक और ऑपरेशन लोटस, कई ऑपरेशन लोटस कर चुके हैं, एक और ऑपरेशन लोटस इन्होंने कोशिश की, लेकिन सभी 21 एमएलए ने मना कर दिया हमारी जानकारी के हिसाब से। विश्वास प्रस्ताव पर अब शनिवार को सदन में चर्चा होगी। विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने प्रस्ताव पेश होने के बाद इस बात की जानकारी दी और शनिवार को भी विधानसभा सत्र जारी रहेगा। विश्वास प्रस्ताव पर सदन के अंदर चर्चा की जाएगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा चुकी है कि ऑपरेशन लोटस के जरिए दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिश में बीजेपी जुटी है। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।